नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप गुलेरिया। आज आपको लेके आया हूं बहुत ही एक शानदार लोकेशन, आप ये कह सकते हैं हॉट लोकेशन। हॉट लोकेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज की डेट में ये लोकेशन बहुत ही डिमांड पे है। तो आज हम इसी लोकेशन पे आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे प्लॉटिंग। तो सबसे पहले मैं अपने कलीग को रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार वो कैमरा करेंगे, आपको पूरा प्लॉटिंग दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस तरफ से। तो आप ये देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का ये फेस वन है जहाँ पे लोगों ने अपना घर बना के रहना शुरू कर दिया है। यही लोकेशन का, इसी प्रोजेक्ट का एक और एक्सटेंशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप ये देख रहे हैं, इस तरफ आपको ये प्लॉटिंग नज़र आ रही है। तो ये इसी प्रोजेक्ट का ही एक्सटेंशन वर्जन है जहाँ पे हमें आज की डेट में प्लॉटिंग मिल रही है। प्लॉटिंग की अगर साइज़ की बात कर ली जाए तो प्लॉटिंग मिलती है हमें यहाँ पे 112 गज, 117 गज और 157 गज। तो ये तीन साइजेस में प्लॉटिंग हमें मिलती है। और जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दो और मिलते हैं, जैसे कि प्लॉटिंग जो है 30 फिट रोड पे आपको मिलेगी या फिर आपको 37 फिट रोड पे प्लॉटिंग जो है वो मिलने वाली है। तो ऑप्शन अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे आप यहाँ पे ईस्ट फेसिंग की बात करें, वेस्ट फेसिंग की बात करें, या फिर आप कॉर्नर प्लॉट की बात करें, या फिर आप पार्क फेसिंग प्लॉट की बात करें। तो यहाँ पे हमें हर तरह की प्लॉटिंग आज की डेट में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लोकेशन जो एग्जैक्टली समझ लेते हैं हम। ये चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे के जस्ट एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट है ये। तो मैं एक बार अपने कलीग को रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरफ भी वो कैमरा करेंगे, आपको लुधियाना हाईवे दिखाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम करने के लिए बोलूँगा अपने कलीग को। आप ये देखिए सामने, ये लुधियाना हाईवे है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आप ये देख सकते हैं फ्रंट में आपका जो लुधियाना टोल बैरियर है, अगर आप देखें वो फ्लड लाइट्स जो हैं वो टोल बैरियर की नज़र आ रही हैं, जहाँ पे वो सामने फ्लैट्स आपको बने हुए दिखेंगे, वो गेटवे प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये इसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हार्डली 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलता है। अब बात करें बिल हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट हैं, जैसे गेटवे का मैंने नाम लिया, गेटवे में आज हम अगर प्लॉटिंग लेते हैं तो वहाँ पे जो रेट है वो है 60 से 65 हज़ार का रेट वहाँ पर गज के हिसाब से कोट किया जा रहा है। इसका रीज़न जो है बेसिकली यहाँ पे इतना हाई डिमांड और यहाँ पे जो डे बाय डे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सबसे नज़दीक जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कारण यहाँ पे जो आपका रेंटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड चला गया है। अगर मैं 2 BHK की बात भी करूं तो यहाँ पे जो रेंटल इनकम है 2 BHK का, वो 20 से 25 हज़ार के बीच में पहुँच गया है। और 3 BHK का रेंटल इनकम जो है वो 25 से 30 हज़ार की रेंज में चला गया है। अब इस प्लॉटिंग की एक और ख़ासियत कि यहाँ पे दो रास्ते लगते हैं। मेन एंट्री आपकी यहाँ लुधियाना हाईवे से रहेगी, और जो सेकेंड आपकी एंट्री आप कह लीजिए, सामने आप वो हाई राइज देख रहे हैं, खरड़ से रोपड़ रोड पे आपका वो निर्वाणा के हाई राइज टावर हैं। तो आप ये कनेक्टिविटी देख सकते हैं, ये डायरेक्ट जो है रोड जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का रोड जा रहा है, 40 फीट का रोड वो रहेगा। उसके आगे आपका जो है वो रेवेन्यू रोड जो है वो डायरेक्ट आपका जो है रोपड़ रोड पे कनेक्ट कर जाता है। तो ड्यूल एंट्री रहेगी इस प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों बात कर ली जाए इस प्रोजेक्ट में जो फीचर फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली हैं, तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं रोड्स का काम यहाँ पे, लेवलिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, और सीवरेज आप ये देख पा रहे हैं सीवरेज का काम हो चुका है, और खंभे जो हैं बिजली के वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बीच में एक पार्क है, पार्क जो है वो भी उसका भी मेंटेन होना स्टार्ट हो चुका है। और ये सारी आगे जो है प्लॉटिंग जहाँ तक आपको नज़र आ रही है, वो पेड़ आप देख पा रहे होंगे वहाँ तक सारी आपकी ये प्लॉटिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट की रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिमांड की भी। तो जो बिल्डर की तरफ से आस्किंग प्राइस जो है वो रहेगा, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आप 30 फीट रोड पे अगर प्लॉट लेते हैं तो उसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 32,900 रुपये का। और अगर आप 37 फीट पे अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है वो 35,000 का है। इसके अलावा जो भी अगर कोई आप
प्रेफर्ड प्लॉट में जाते हैं, जैसे कि कोई आप कॉर्नर प्लॉट लेते हैं या फिर आप पार्क फेसिंग प्लॉट लेते हैं, तो इसका जो है वो सिंगल पीएलसी का 5% जो है वो अलग से रहेगा। तो दोस्तों ये था डिमांड प्राइस जो कि नेगोशिएबल रहेगा। तो हमारी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि लोकेशन काफ़ी ये प्राइम है, तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ अपने लिए इन्वेस्ट करने का या अपने एक सपनों का घर बनाने का, तो ये एक अच्छा लोकेशन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आप खुद भी रहना चाहें तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत खास रहेगी, इनफैक्ट दोनों ही हाईवेज कनेक्टेड रहते हैं आपके। तो जो हमारे व्यूअर्स J&K से, हिमाचल से या फिर पंजाब से अगर यहाँ पे प्लॉटिंग देख रहे हैं, या जो हमारे इन्वेस्टर्स दिल्ली गुड़गांव से अगर कोई प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। तो मेरी एक बार रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से, ज़रूर इस प्रॉपर्टी को एक बार विज़िट कीजिए, प्रोजेक्ट को एक बार विज़िट कीजिए। तो दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो इस प्लॉट का जो रेगुलेशन फीस है वो ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से यहाँ पे सबमिटेड है गवर्नमेंट को। एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कि मान लो कि आप 112 गज का 117 गज का जो है वो प्लॉट आप परचेज करते हैं, तो उसका जो रफली आपका जो एक रेगुलेशन फ़ीस है वो तकरीबन बैठता है 1.25 लाख के आसपास। तो वो जो फीस है वो ऑलरेडी बिल्डर पे कर चुका है, तो आपको उसको नहीं पे करना है। आपका जो खर्चा आएगा वो सिर्फ जब आप मैप एक अपने हिसाब से फाइनल करवाओगे, तो उसका जो 15,000 से 20,000 रुपया जो खर्चा बैठेगा डेढ़ मंजिल का, और 30,000 से 35,000 जो खर्चा बैठेगा आपका ढाई मंजिल का, तो रफली आपका ये खर्चा आने वाला है सिर्फ मैप अप्रूवल पे। उसके अलावा जो रेगुलेशन फीस है वो यहाँ पे भरी जा चुकी है ऑलरेडी। तो दोस्तों मेरी अपनी रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से, एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विज़िट कीजिए। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो नंबर्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और विज़िट का शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।